आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे आप सभी बोल रहे थे भैया कोई भी क्लास नहीं चल रहा है, एटलीस्ट 11:30 बजे वाला जो क्लास है करंट अफेयर का, इस लॉकडाउन के बीच में आप कम से कम वो क्लास स्टार्ट कर दो। तो बिल्कुल आज रात से आपको 11:30 बजे जो करंट अफेयर का रिविजन क्लास चल रहा था ना, उसका वीडियो आपको आज से रेगुलर बेसिस पर मिलेगा। मैंने आप सभी को 6 से 7 महीने करंट अफेयर जो है वो रिवीजन करवा दिया है, उसका पूरा पीडीएफ जो है एक बार मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, एक बार डाउनलोड कर लेना। और जनवरी का 175 क्वेश्चन तक मैंने आपको रिवीजन करवाया था, आज 176 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा एक बार सर्च बॉक्स में सक्सेस की 98, वहां पर आप सभी जुड़ जाइएगा। वहां पर मैं जितने भी महीने का करंट अफेयर का रिवीजन हुआ है उसका पूरा पीडीएफ एक बार और डाल दूंगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अभी, ठीक है। दूसरी बात, अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है ना, इसमें एक वीडियो और आपको मिलेगा डेली बेसिस पर, वो कौन सा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जब से स्टार्ट तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आप सभी हर एक चैप्टर पर तो आपका कमांड है, लेकिन बोल सकता हूं 100 में 60 से 65% लोग ऐसे हैं जिनको त्रिकोणमिति से बहुत डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है। तो आज शाम को 4 बजे आपको पहला पार्ट का वीडियो मिलेगा। एक बात याद रखना, मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो दिमाग में एक ही बात रखे हैं, 6 से 7 साल का बच्चा जो क्लास 2 में पढ़ता है वो मेरे सामने बैठा है और उसको पूरा त्रिकोणमिति सिखाना है। लेकिन एक बात आपने दिमाग में और रखना, जब मैं सिखाऊंगा तो आप ये मत बोलना भैया क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं। वो 2 साल के बच्चे को देखो, उसको कुछ नहीं पता है कि सवाल आगे कैसे बनता है, क्या होता है, बस उसको इतना पता है जो भैया अभी सिखा रहे वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैं ऐसे सिखा रहा हूं कि वो 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को समझ में है। और आप बोल सकते हो 10-11 वीडियो वो देखने के बाद बोलेगा भैया समझ में आ गया। उसके बाद 11 वीडियो के देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तब बोलना भैया हमके बाकी है। स्टार्टिंग में नहीं कि भैया कैसे बनेगा, आगे सवाल क्या करेंगे, ये सब मत। आप बस ना ऐसा सोचो मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, जो 2-3 साल से जिस चैप्टर को छोड़कर हम भाग रहे थे। अगर सरस्वती माँ ऐसा चीज है, विद्या ऐसा चीज है ना, आप बचपन में भी बहुत बार सुने होंगे मम्मी पापा से, जितना दूर भागेंगे वो आपसे कोसों दूर भागेगा और जितना सटेंगे उतना आपके नजदीक आएगा, सच्चाई है। तो इस वीडियो में आपको जितना समझाऊंगा शाम को 4 बजे वाले वीडियो में, उतना आपको समझ में आया नहीं आया पूरा विश्वास है आपको 10। और हाँ, एक क्लास में सब कुछ नहीं सिखा सकते क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। ये बोल सकते हो भैया इस लॉकडाउन में ना आपने त्रिकोणमिति सिखा दिया है बच्चे बच्चे को जिनका दिमाग कमजोर है, लेकिन दिमाग में रखना मुझे सीखना है। मैथ नहीं आता है ये प्रॉब्लम किसी का नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप मैथ सीखना नहीं चाहते ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो 4 बजे आप सभी से मुलाकात होगी, बाकी बता ही दिया हूं 11:30 बजे क्लास रेगुलर रहेगा। अगर सीखने का मन है, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से आसान आसान क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में देखें, एसएससी का भी एग्जाम हुआ, सीएचएसएल का, सीजीएल का, इजी क्वेश्चन छोड़कर आ गए, क्यों, क्योंकि कभी वो सीखने का प्रयास किए ही नहीं। और जितना 10-11 क्लास में सिखा दूंगा ना, आप बोलेंगे भैया बहुत थैंक यू, और फ्री में। ये मत सोचना कि पैसा देंगे तभी कुछ मोल है, फ्री का भी कुछ मोल होता है। जितना सिखा दे रहे हैं ना, आप बोलेंगे भैया सीखे हैं, लेकिन मनसा रखिएगा सीखना है। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि भैया जिस चीज से हम 2-3 साल से भाग रहे थे, भैया मेरा मन ही नहीं लगता है उसके पढ़ने का। मन कैसे लगेगा, मन कैसे लगेगा जिंदगी की जब सच्चाई देखोगे ना, कितना कष्ट है। अगर आज नहीं कर पाए, अगर आज समय का यूटिलाइज नहीं कर पाए तो कल समय बर्बाद कर छोड़ देगा हमको, रोड पर बोलेगा घूमो अब करो जो करना है। उस समय बोलेंगे कि हमको ना आप 24 घंटा खटाइए लेकिन हम खटने के लिए तैयार है, बस मेरे परिवार को कुछ सहारा दे दीजिए। आप बोलेंगे
अगर ये सब दिन नहीं देखना है, इन फ्यूचर मजे करने हैं, तो आज आपको अपना कीमती समय का एक एक घंटा दो दो घंटा देना पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, आपको आधा और नोट्स बना लीजिएगा, जितना सिखा रहे उतना सीखो। एक बच्चे बनकर दिमाग में कुछ नहीं है आपका, बस आपको सीखना है। और सीजीएल लेवल तक की मेन से क्वेश्चन करा दूंगा, कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पहला पार्ट आज आने वाला है। भैया ट्रिगो का मान कैसे याद करें, डाटा क्वाड्रेंट क्या होता है, अरे कुछ नहीं सोचना है, जितना सिखा रहे उतना सीखो। उसके बाद 10-11 वीडियो के बाद बोलना कि भैया कुछ बाकी रह गया है, हंसते खेलते खेलते चैप्टर खत्म हो गया भैया। तो मिलते हैं शाम को कितने बजे, 4 बजे आप सभी के साथ, और रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, ठीक है, ताकि सभी सीख पाए मजे से, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। क्योंकि बीच में कोई आता है आधे वीडियो के बाद, तो पीछे का आगे का उनका छूट जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, ताकि आप पूरा नोट्स प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से बना पाओ, ठीक है। आई होप आप ये सीरीज पूरा देखोगे और आप पसंद करोगे और आप सीखोगे अच्छे से, ठीक है। चलिए।